नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स लाइव में। और आज है 15th ऑफ जून। 15th ऑफ जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अभी मैं आपके साथ 7 बजे जुड़ा हूं। इसके अलावा 12 बजे आज हम वीकली MCQ क्लास में भी जोड़ेंगे, जो 2 बजे हुआ करती है, फिर दोबारा से आपके लिए यहां पर शिफ्ट कर दी गई है 12 बजे। तो आज मेरे साथ 12 बजे जुड़ना ना भूलें, जिसमें कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 MCQs का डिस्कशन करूंगा। अपार्ट फ्रॉम फादर्स डे सेल की बात करते हैं, तो यहां पर एक और आपके लिए स्पेशल चीजें की जा रही है बैक टू बैक, रेगुलर इस पे कह सकते हैं शानदार ही चल रहा है। तो उसी ही में ऑल इन वन जो स्पीड टेस्ट कार्ड है उसके प्राइस 499 रखे गए हैं। ऑल इन वन स्पीड टेस्ट कार्ड के प्राइस 699 रखे गए। फर्क ये है कि ये वाला है ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है और ये वाला 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। वीडियो गुरु जो सब्जेक्ट वाइज है, चाहे बैंक हो, मैथ्स हो, रेलवे हो, SSC हो, आप किसी का भी परचेज करना चाहते हैं, चाहे मेरी GA की क्लास परचेज करना चाहते हैं, तो इसके प्राइस 499 रखे गए हैं। और ऑल इन वन के यहाँ पर प्राइस 499 यहाँ पर रखे गए। ये सेल स्टार्ट हो जाएगी 16th ऑफ जून से, ये सेल रहेगी और 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 12 बजे तक ये सेल रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम यहां पर आपको परचेज करने के लिए जाना पड़ेगा myshop.mahindras.org पे। नेक्स्ट बात करते हैं वीकली MCQ जो अपना शो है वो अपना 12 बजे रहेगा, तो प्लीज इसमें सेशन में जुड़ना मेरे साथ ना भूले। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs की। टेक्निकली स्क्रीन को जूम रखिएगा। पहला सवाल यहां पर यह है, पांचों ऑप्शन विजिबल नहीं है, पांचों ऑप्शन जरा विजिबल कराया जाए। किस शहर में थाई फिल्म महोत्सव नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? In which city third edition of the Thai Film Festival Namaste Thailand Film Festival started? इस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। फर्स्ट एडिशन जो रहा था वो 2017 में रहा था, फर्स्ट एडिशन। और ये जो फर्स्ट एडिशन रहा था, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो रिलेशन है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया एंड थाईलैंड, उसके 70 साल पूरे होने के कह सकते हैं उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी यहां भारत चलती है। भारत थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कोई लिख के फटाफट से बता दे कि भारत और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। इंडिया एंड थाईलैंड, फटाफट से, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज होती है सर, इसका नाम है मैत्री। बहुत बढ़िया, शानदार, मैत्री इसका नाम है। नेक्स्ट, किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट JNU विद द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड। तो ये दोनों ही पहले कह सकते हैं कि कह सकते हैं JNU के स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्हीं को यहां पर सम्मानित किया गया है। ये दोनों नाम बनते हैं, एक निर्मला सीतारमन और एक सुब्रमण्यन जयशंकर। निर्मला सीतारमन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज अ कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर एंड शी इज अ राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटक। अपार्ट फ्रॉम सुब्रमण्यन जयशंकर साहब की बात करें, जयशंकर, तो ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, यह विदेश मंत्री हैं। पीयूष गोयल साहब रेलवे मिनिस्ट्री देख रहे हैं, प्लस इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देख रहे हैं। ये कोई मुझे बताया पाएगा कि राज्यसभा MP कहां से है? ऑप्शन दे देता हूं, एक महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किसको इटली ने नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली सम्मान प्रदान किया है? हु हैज बीन कन्फर्ड बाय इटली विद द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इटली। फिर दोबारा सुन लीजिए, किसको अभी हाल ही में इटली के द्वारा नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली सम्मान प्रदान किया गया है? जैसे कि ऑप्शन अवेलेबल है उनके आधार पर बात करते, तो प्रतिष्ठा सिंह को यहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया? प्रतिष्ठा सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में भारत और इटली संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इटालियन लैंग्वेज की जो विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है प्रतिष्ठा सिंह, उनको उनके योगदान के लिए नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया गया। इटली की कैपिटल रोम है और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। नेक्स्ट, 2019 जो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर बनता है, भारत की रैंकिंग है 141। इस इंडेक्स को टॉप किया है आइसलैंड ने, यहां पर टॉप पर रहा था, और जो लास्ट कंट्री रहा था वो था अफगानिस्तान। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल रेग्जाविक है, करेंसी यहां पर क्रोना चलती है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, कुल मिलाकर 163 देशों में इसको कैलकुलेट किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 141 है। इसे प्रिपेयर किसने किया था? IEP ने इसको प्रिपेयर किया था, जो कि एक सिडनी बेस्ड संस्था है जिसका फुल फॉर्म बनता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक
एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, फिर दोबारा सुनिएगा, एक ना एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रिपेयर कौन करता है, तो याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को, ग्लोबल पीस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था। यहां तक सभी के क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार ने ESI योजना के लिए, ESI योजना के लिए योगदान की दर को 6.5% से घटाकर कितना कर दिया है। गवर्नमेंट हैज रिड्यूस रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ESI स्कीम फ्रॉम 6.5% टू व्हाट, फटाफट से आंसर करिएगा कितना यहां पर कर दिया है। आंसर बनता है यहां पर 4% कर दी गई है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में यहां पर बताया था कि एक एक्ट जिसका नाम है ESIC एक्ट, वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो ESI योजना है उसको यहां पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो देखता है वो इस एक्ट के, इस संस्था के द्वारा दिया देखा जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पहले 6.5% था, अब यहां पर इसको 4% कर दिया गया है। और स्पेशल बोला जाता है कि इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर यहां पर इस ESI स्कीम का जो भी बेनिफिट लेता है उसको बहुत सारे यहां पर फायदे मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल की बात करें, मैटरनिटी की बात करें, डिसेबिलिटी की बात करें, ये सारे बेनिफिट इसके अंतर्गत यहां पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। कल ही की बात करते हैं, और कल हम बात करें तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया गया था 14 जून को। स्लोगन रहा था सेफ ब्लड फॉर ऑल, याद रखना ये वाला जो स्लोगन, एक एक नंबर में थीम के अलावा स्लोगन भी पूछ लेते हैं। सेफ ब्लड फॉर ऑल वॉज अ स्लोगन फॉर द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अपार्ट फ्रॉम बात करें तो ब्लड डोनेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज अ कंपोनेंट ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये थीम रही थी इस साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। और यार बहुत सारी चीजें देखिए, सेफ ब्लड फॉर ऑल का लॉजिक क्या होता है, अक्सर होता क्या है आजकल लोग पैसों के लालच में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, थोड़ा मुझे इसके बारे में पता है तो मैं आपके साथ इसे शेयर कर सकता हूँ। करते क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो 400-500 रुपए में अपना ब्लड भी यहां पर दे देते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बंदे की रोड साइड रहते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे ब्लड बैंक वगैरह में अपना पैसे अपने ब्लड को दे देते हैं, और वहां पर ये एक तरीके से ब्लैक में काम चलता है सारा का सारा, और इसी ब्लड को बहुत आगे हाई कॉस्ट में बेचा भी जाता है। तो जब कभी भी आप ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़े तो कोशिश किया करें कि एक्सचेंज में ही काम हो, मतलब कि फ्रेश ब्लड ही मिले, क्योंकि अगर ऐसे परचेज करते हैं तो उसमें ये नहीं आपको पता रहता कि आप वो सही है कि नहीं है। इस तरीके की थीम हमेशा इसी पर्पस से बनाई जाती है, सेव ब्लड फॉर ऑल। नेक्स्ट, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय है एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एल्बिनिज्म मतलब होता है रंगहीनता, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस की बात करें तो यह किस दिन को यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर बनता है प्रत्येक वर्ष यह 13 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, किसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू साहब की बात करते हैं तो इनके सेक्रेटरी के रूप में किनका अपॉइंटमेंट रहा, तो आंसर बनेगा IV सुब्बाराव को इनका सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। अभी हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट साहब के सेक्रेटरी कौन बने, IV सुब्बाराव। अब यहां पर सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो आंसर बनता है यहां पर पी के मिश्रा साहब को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर मध्य प्रदेश मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, शिव नारायण मीना। शिव नारायण मीना इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर मध्य प्रदेश मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। आज के सेशन में अब बढ़ते हैं यहां पर डेज की तरफ, जो कि डेली बेसिस पे हम रिवाइज करते हैं। 1 जून को आता है आपका वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को ही आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। रट लीजिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आपका 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 2 जून को तेलंगाना ने अपना 5th फॉर्मेशन डे मनाया था, और 3rd जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूं। 5th जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व किया गया, और 7th जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8th जून को वर्ल्ड ओशियन डे, एंड 12th जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस तरीके से याद रखिए, यूं याद रखिए, दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को आता है। तेलंगाना अपना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाता है, और इस साल उसने 5th फॉर्मेशन डे मनाया था। 5 जून को आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 3 जून को आता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7th जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे 8th जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यह 12th जून को ऑब्जर्व रहता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एश जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एश जयशंकर अटेंडेड दी
फिफ्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन को, फिफ्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, इन शॉर्ट बोलते हैं हम इसे CICA समिट इन दुशनबे ताजिकिस्तान। विदेश मंत्री डॉक्टर एश जयशंकर, विदेश मंत्री डॉक्टर एश जयशंकर ने ताजिकिस्तान के दुशानबे में, ताजिकिस्तान के दुशानबे में एशिया में सहभागिता, ये देखिए कीवर्ड बनेगा, एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। टेक्निकली मैं स्क्रीन को जूम रखना, अब इसे हम बाइफरकेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट सबसे पहले नाम याद रखना है CICA समिट का, CICA समिट ये हुआ कहां पर है, तो आंसर बनता है ये ताजिकिस्तान के दुशनबे में हुआ है। कहां पर हुआ है? ताजिकिस्तान के दुशनबे में हुआ है। इसका ये कौन सा एडिशन रहा था? तो ये फिफ्थ रहा था, ठीक है, फिफ्थ CICA समिट की बात करें तो ये कहां पर रहा है? ये आपका ताजिकिस्तान के दुशनबे में। इंडिया की तरफ से किनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? तो अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, इनके द्वारा भारत को यहां कह सकते हैं रिप्रेजेंट किया गया था। अब ये है क्या, ये सीका जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल फोरम, फिर दोबारा सुन लीजिए, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर एनहेंसिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। एशिया की बात करते हैं वहां पर जो शांति उसे बनाए रखें, सिक्योरिटी और बेहतर है, सुरक्षा और बेहतर और स्टेबिलिटी बनी रहे, इसी के लिए यह सी का काम करता है, जिसका फुल फॉर्म बनता है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1999 में बना था, 1999 में, और इसके कुल मिलाकर जो मेंबर कंट्री है वो 27 है। इसका सेक्रेटरेट है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में इसका सचिवालय या सेक्रेटरेट है। इसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो इस साल का जो समिट रहा है फिफ्थ समिट, इसकी थीम रही थी शेयर्ड विजन फॉर सिक्योर एंड मोर प्रॉस्परस सीका रीजन। जो सीका रीजन है, जो 27 देश है इसके बाद, तो बोला गया है कि उनके बीच में और बेहतर यहां पर सिक्योरिटी रहे। और यहां पर सिंपल शब्दों में बोला गया है, हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो पांचवें शिखर सम्मेलन का विषय एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध CICA क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण है। एशिया में सहयोग बढ़ाने और शांति और सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए CICA एक अखिल एशिया मंच है। भारत शुरुआत से ही CICA का सदस्य है, मतलब जब से बना है। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में अलमाटी में आयोजित पहले CICA शिखर सम्मेलन भाग लिया था। अच्छा, थोड़ा डिटेल में अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पूछ सकता है कि फर्स्ट CICA समिट कहां पर रहा था? तो 2002 में अलमाटी में रहा था। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। नेक्स्ट, सेंटर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन असम। केंद्र ने असम में ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि केंद्र ने अभी हाल ही में किस राज्य में ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल को स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, या यूं कहें अपनी अप्रूवल दी है। आंसर बनेगा असम में। अब देखिए ट्रिब्यूनल की बात हुई तो यहां पर सबसे बड़ा रहता है कि डिस्प्यूट वगैरह जितने भी रहते हैं उन्हीं को रिजॉल्व किया जाता है। और इंपॉर्टेंट यह कि यह कहां पर बना है ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल, तो आंसर बनता है यह असम में बनाने को मंजूरी दी है। असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, यहां की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और जगदीश मुखी साहब यहां के गवर्नर है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जगदीश मुखी साहब के पास एडिशनल चार्ज भी है एक स्टेट का, और वो स्टेट कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम का एडिशनल चार्ज है इनके पास एज अ गवर्नर। और इसके अलावा बात करते हैं तो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है जोरम थांगा। अच्छा, असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो मुझे लगता है कोई नहीं भूलेगा, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी असम राज्य में ही है। यहां तक मुझे लगता है सब क्लियर होगा, एक बार लिखते जरूर विद स्माइल, यस सर सारी चीजें हमारे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अब इंटरिम प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहां पर ओथ ले लिया, अब वो बिल्कुल राष्ट्रपति बन गए हैं। कासिम जोमार्ट तोकायेव टुक ओथ एज दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। कासिम जोमार्ट तोकायेव ने कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सिंपल शब्दों में एक लाइन में सवाल बनेगा कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो अपना आंसर बनता है कासिम जोमार्ट तोकायेव। अच्छा, एक चीज और, अभी कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल होती थी अस्ताना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पर उसका कर दिया गया नाम, तो अब अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, अभी रिसेंट में ही एग्जाम में सवाल आया, तो जहां तक मुझे CGL में ही आया था कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो नूर सुल्तान है और करेंसी यहां पर तेंगे चलती है, मुद्रा यहां पर तेंगे चलती है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर यार बड़ी एक अलग सी विडंबना बनी हुई है, चाहे हम US चाइना की बात करें, चाहे हम इंडिया US की बात करें। अभी तक क्या होता था, पहले तो मैं एक दो शब्द आपको बता देता हूं। एक शब्द होता है टैरिफ,
टैरिफ होता है, ड्यूटी होता है। टैरिफ और ड्यूटी का मतलब क्या है? जब एक देश दूसरे देश में अपनी जो गुड्स और सर्विसेज को बेचता है, जब कोई देश एक दूसरे देश में अपने गुड्स को बेच रहा होता है, जो जिस देश के द्वारा उसे कह सकते हैं कि खरीदा जाता है, वो उस पर कुछ यहां पर टैक्सेस लगाता है। यार मेरे देश में, जैसे कि अगर यूएस है अपना कोई प्रोडक्ट मेरे देश में बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडिया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि अगर वो प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट अपने देश में होगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर थोड़ा टैक्सेस ज्यादा लगाऊंगा, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा रहे। बट कभी कभी क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए डेवलप्ड कंट्री, चाहे और जो ये यूएसए ये डेवलपिंग कंट्री है, तो इनको बेहतर करने के लिए जो टैरिफ होते हैं उनको कम रखते हैं। बट अब यूएसए क्या कर रहा है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कहता है कि यार मुझे सिर्फ अपना सोचना है, तो उसने ऑलरेडी भारत के ऊपर जो भारत अपने प्रोडक्ट यूएसए को दे रहा था उस पर टैक्सेस लगा दिए थे, उस पर टैरिफ इंपोज कर दिए थे, उस पर ड्यूटी यहां पर लगा दी थी। तो भारत का भी कहना है कि मेरे दोस्त तुम करोगे तो हम थोड़ी यहां पर पीछे रहेंगे। भारत ने अनाउंस तो पहले किया था, बस उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया था, बट अब उसने क्लियर कर दिया कि जल्दी फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक फरमान जारी होगा कि यूएसए के ऊपर इतने इतने टैरिफ लगाए जाएंगे। कौन से हैं, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। टेक्निकली मैं स्क्रीन को जरा जूम रखिएगा, पहले पैराग्राफ को पढ़िएगा। इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंपोज रिटेशनरी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि यूएसए ने लगाया तो अब भाई हम भी काउंटर यहां पर करेंगे। टैरिफ ऑन 29 गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस फ्रॉम 16th ऑफ जून। आई होप सो गाइस यहां तक क्लियर होगा। यूएसए से कम अराउंड बात करें 29 गुड्स को जो भारत इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर यहां पर टैरिफ लगाने की बात की है। टैरिफ की बात करें, टैरिफ विल अप्लाई टू 2290 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स। ये कहने का लॉजिक ये है कि कम से कम इतने गुड्स के, इतने अमाउंट के गुड्स पर ये टैरिफ इंपोज किया जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 16 जून तक ये रिलीज भी हो जाए, कल तक ये रिलीज भी हो जाए। बट एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मार्च 2018 की बात है, यूएसए ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था, और स्पेशली स्टील के ऊपर लगाया गया था, और 10% का जो इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगाई थी वो एल्युमिनियम पे। मतलब कि भारत जो एल्युमिनियम और स्टील जो यूएसए को बेच रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर यहां पर 25% टैरिफ लगा दिया गया स्टील के ऊपर, और 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी यहां पर एल्युमिनियम के ऊपर। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 2018 में डिसाइड किया था कि वो यहां पर इंपोज करेगा ड्यूटी, बदले में यहां पर भारत भी लगाएगा, लेकिन भारत ने क्या करा है कि यार अपना जो नरम दिल है उसको नरम बनाए रखा और डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। बट यूएसए की बात करें, उसने अभी हाल ही में जून 2019 से क्या करा है कि जो भारत को उसने स्टेटस दे रखा था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में भारत को शामिल कर रखा था जीएसपी प्रोग्राम। जो देश जीएसपी प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत नॉमिनल लगाए जाते हैं, भारत को इसमें से यहां पर हटा दिया गया। जून 2019 की बात है, यूएस विड्रॉ एक्सपोर्ट इंसेंटिव टू इंडिया अंडर इट्स जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम। इसकी वजह से भारत ने अब कहा है कि अब वो जल्दी यहां पर 29 जो यूएसए के प्रोडक्ट है उन पर टैक्सेस लगाने जा रहा है। आई होप सो गाइस सिंपल शब्दों में आपके सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि यस सर सारी चीजें क्लियर है। हाँ, टिट फॉर टैट आप कह सकते हैं यार, जैसे के साथ बिल्कुल तैसा। नेक्स्ट, अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि भारत में ओवरऑल अगर इंडिया की बात करते हैं तो स्कूल लंच प्रोग्राम को चलाती है। ये बैंगलोर बेस्ड एक संस्था है और इसको इसी प्रोग्राम के लिए एक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान का नाम है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड। फिर दोबारा सुनिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन को बीबीसी वर्ल्ड ग्लोबल चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि बेंगलोर बेस्ड एक संस्था है जो कि स्कूल लंच प्रोग्राम चलाती है भारत में, इसको बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक नंबर में यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। नेक्स्ट मेरे भाई, यूनिसेफ, ये पुरानी हो चुकी है न्यूज, यूनिसेफ विल ऑनर प्रियंका चोपड़ा विद डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। यूनिसेफ प्रियंका चोपड़ा को डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। देखिए, इनको एम्बेसडर तो बना लिया जाता है, बट ये कितना बेहतर तरीके से काम करते हैं ये एक अलग चीज है। बट अपने काम की चीज है कि इन बातों में हमें क्या पढ़ना, अपने काम का ये बनता है कि किनको सम्मान दिया गया और जिस संस्था ने सम्मान दिया उस संस्था रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है। तो यूनिसेफ किनको यहां पर सम्मानित करने जा रहा है, डैनी का एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मानवतावादी अवार्ड है और ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जा रहा है डैनी का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। इससे प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है एंड हेनरीटा एच फोरे इसकी 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हेनरीटा एच फोरे इसकी 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। किसकी? यूनिसेफ की। इंपॉर्टेंट मार्क किया करिए हेडक्वार्टर को, एग्जामिनेशन में एक एक नंबर में हेडक्वार्टर बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने एक योजना को यहां पर लॉन्च किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना।
अच्छा क्या सर एग्जाम में आती है स्टेट की जो भी स्कीम होती है कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम थी अमा घर एलईडी स्कीम, वो एग्जाम में पूछी गई है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना लेकर आती है तो उसके प्रोविजन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, समझ रहे हैं बात को। बट अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है तो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करें वहां पर डिटेल में पूछ सकता है, बट अगर हम नॉर्मल बैंक की बात करें एसएससी की बात करें तो वहां पर सिर्फ इतना ही पूछेगा कि पर्टिकुलर स्कीम ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। तो आंसर बनता है यहां पर अब कि भाई पर्टिकुलर स्टेट का नाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना किस स्टेट ने लॉन्च की, तो आंसर बनेगा बिहार। समझ लेते हैं, टेक्निकली में जूम रखना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना फॉर पुअर पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज इन द स्टेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना शुरू की है। बिहार के कैपिटल है पटना, यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन, और यहाँ पर एक इकलौता नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया इटली काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब प्रतिष्ठा जी का नाम इस तरीके से इटली से लिंक कर लीजिएगा, अब इटली रिलेटेड जितने फैक्ट दिमाग में आ सकते हैं उतने बिल्कुल कह सकते हैं स्ट्राइक करते चलिए बिल्कुल दिमाग में कि हाँ सारी चीज है। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब समझना यहां पर इंडिया इटली काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, देखिए बहुत सारे देश होते हैं अलग अलग मुद्दों के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाते हैं, मतलब कि यहां पर एक संयुक्त कार्य समूह बनाते हैं, कुछ लोग इनके सदस्य होते हैं कुछ लोग इनके होते हैं, दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। होता क्या है कि पर्पज होता है कोई ना कोई, जैसे यहां पर पर्पज होता है काउंटर टेररिज्म आतंकवाद को कैसे रोका जाए, उसके लिए यहां पर ये दोनों देशों के जो कह सकते हैं कि एक ग्रुप है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहां साथ में काम करता है। अब इसकी मीटिंग रही है कहां पर, न्यू दिल्ली में, और ये कहां के कौन सा एडिशन था, ये सेकंड एडिशन यहां पर रहा था। अच्छा, सिंपल शब्दों में इतना याद रखना है कि इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यहां पर यूरो चलती, बहुत बढ़िया। यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर बताया जा रहा है वो यहां पर रोम बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया शानदार बच्चा। अब जितना आप इंटरलिंक कर सकते हैं उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट, पोएट एंड लिरिस्ट पजावीला रमेशन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 83। कवि और गीतकार पजावीला रमेशन का हाल ही में निधन हो गया, वह 83 वर्ष के थे। यार ऑबिचरी इतनी हो जाती है ना कि बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो टिपिकल पॉइंट होता है ना वो ऑबिचरी याद करना होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट याद करना होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट तो आप रट चुके हैं, अब एक काम करेंगे कि ऑबिचरी पे भी आ जाएंगे, एक मैं आपके लिए लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपको। अब ये मत कहना सर आप कमिटमेंट तो कर दे तो भूल जाते, दोस्त कमिटमेंट करता हूं, भूलता हमेशा नहीं हूं, लेकिन भूलता नहीं, याद सारी चीजें रहती बट लैक ऑफ टाइम नहीं कर पाता। बट कोशिश करूंगा कि मंडे को मुलाकात हो तो कम से कम 10 ऑबिचरी जो इस मंथ की रही हो या पिछले की जो भी रही हो जो इंपॉर्टेंट हो उनको आपके साथ डिस्कस करूं, लेकर आऊं, कोशिश कर डेफिनेटली 10 तो मैं लेकर ही आऊंगा। पोएट एंड लिरिस्ट पजावीला रमेशन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 83। सिंपल शब्दों में याद रखना पजावीला या पी रमेशन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वह क्या थे, तो वह एक पोएट थे और वह एक लिरिस्ट थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी एक एग्जीबिशन अस्तित्व प्रभाकर बर्वे की महक का उद्घाटन किया है। इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन अस्तित्व द एसेंस ऑफ प्रभाकर बर्वे एट न्यू दिल्ली। अच्छा, ये से बाइफर्केट कर लेते हैं, बाइफर्केट करके समझते सारी चीजें, टेक्निकली जूम रखना। एग्जीबिशन का नाम है अस्तित्व द एसेंस ऑफ प्रभाकर बर्वे, प्रदर्शनी का नाम है अस्तित्व प्रभाकर बर्वे की महक, ये कहां पर हुई है, तो आंसर बनता है यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किन्होंने उद्घाटन किया था, आंसर बनेगा प्रहलाद सिंह पटेल साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दो पॉइंट हो गए, प्रहलाद सिंह पटेल साहब के पास मिनिस्ट्री कौन सी है, तो एक कल्चर मिनिस्ट्री है और दूसरी यहां पर एक टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इंडिपेंडेंट चार्ज है इस मिनिस्ट्री का, मतलब स्वतंत्र प्रभारी है। होता क्या है, एक होते कैबिनेट मिनिस्टर, उनके अंडर में वर्क करते मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होते मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनसे ऊपर कोई भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं होता, ये खुद इस मंत्रालय के होल सोल रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब प्रहलाद सिंह पटेल साहब की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो इसका निर्वाचन क्षेत्र है दमोह मध्य प्रदेश, दामो नहीं है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन दामो कर रहा था, एक बच्चे ने कहा सर नहीं है दमोह है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के दमोह इसका निर्वाचन क्षेत्र है। यहां तक सारी चीजें सभी के क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाई, स्टेट गोवा ही रखा है, जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो अल्फाबेटिकली जो स्टेट चल रहे हैं उन्हीं का डिस्कशन रहेगा। आंध्र प्रदेश हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो चुका है अपना, इसके अलावा असम हमने डिस्कस कर लिया, बिहार हो गया,
इस तरीके से सारे हम डिस्कस करते चल रहे हैं। अब गोवा की बात है तो लास्ट से आज ये गोवा का डे। 30 मई 1987 को गोवा का फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल पंजी है, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर मृदुला सिन्हा है, वास्को डिगामा लार्जेस्ट सिटी है, दो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर। लेजिस्लेचर मतलब की विधानसभा मतलब की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट यहां पर 40 है। जिन राज्यों में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है उसका लेजिस्लेचर हम बोलते हैं कि यूनिकैमरल है। जिन राज्यों में विधानसभा प्लस विधान परिषद मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं उसका हम बोलते हैं लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, बट यहां पर से क्या है यूनिकैमरल। कुल मिलाकर लोक विधानसभा की सीट 40 है, लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। भगवान महावीर मौल्यम नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क आपका गोवा में है। बोंडला नेत्रावली महादी कोटीगांव और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी ये सभी आपकी गोवा में है। अच्छा सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। मैं आपसे दिखा देता हूं, मैं आपको ये गोवा है और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दो के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। 12 बजे के सेशन में मेरे साथ जुड़ना है आप सभी को। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, जितने बच्चे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए जा रहे हैं उनके लिए एक बेहतर यहां पर ऑफर हम लेकर आए हैं। उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम की डेट रखी गई है 16th of June और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 13 June से, मतलब डेट स्टार्ट हो चुकी है। इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई है यहां पर 15th of June, मतलब कि आज की डेट की बात करें आज लास्ट है। ऑल कैंडिडेट हु विल अपीयर, जो सिर्फ अपीयर ही हो जाएंगे ना उनको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा वीडियो गुरु पर, ऑल इन वन वीडियो गुरु ऑल इन वन पे, और यहां पर एसटी कार्ड ऑल इन वन पे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेंगे उनको यहां पर उनके स्कोर के बेसिस पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस कार्ड लेते हैं हमारी ब्रांच से और वहां से एडमिशन लेते हैं। ये सारी चीजें आप सभी के लिए, लिमिटेड सीट है 200, जाइए फायदा इसका उठाइए। इसके अलावा हमारा देखिए आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का बैच स्टार्ट हो चुका है 12 जून 2019 से, मतलब कि अब बात करें तो 2 दिन या 3 दिन ही आपके निकले हैं, बट रिकॉर्डेड मोड में ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो लाइव होती है वो रिकॉर्डेड में आ जाती हैं, तो इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पैरेलल मेरी जीए की जो लाइव बैचेस है वो चल ही रहे हैं। देखिए 10 जून से बैच स्टार्ट हुआ, हार्डली 16 और 17 तक इसकी लिंक ओपन रहेगी, इसके बाद ये भी क्लोज हो जाएगा। तो आप भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। 5 क्लासेस हो चुकी, 3 बैंकिंग की 2 आरबीआई की, रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगी। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा 1 बजे, तो अभी एडमिशन ले लीजिए, अपना एसटी पोर्टल पर अकाउंट बनाइए, ओटीपी लिंक करिए, 1 बजे की क्लास में मेरे साथ जुड़िएगा। इसी तरीके से मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की और बाकी की क्लासेस भी आप ले सकते हैं जिनके टाइमिंग आपको यहां पर मेंशन किए गए। जाना है आपको myshop.mahindras.org पे। आई होप सो गाइस सारी चीजें यहां पर क्लियर रही होंगी। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा इसे करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और आज मेरे साथ 12 बजे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। आपके हर सवाल का आपको मिलने जा रहा है जवाब। अब बैंकिंग कहें या फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जो बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि कहां से पढ़ें, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें कि आपके हर सवाल का आपको मिलने जा रहा है जवाब। असल में ये सेशन रहेगा लाइव जिसमें कि हर सवाल का मिलेगा आपको जवाब। आपको इवन कोई भी डाउट रहेगा बैंकिंग का, इकोनॉमी का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, वो सारे सवालों के मिलेंगे आपको जवाब। मेरे साथ जुड़ना ना भूलें इस लाइव गुरु सेशन में।